हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन से पहले हम इसका शुगर सिरप बना लेंगे। तो मैंने एक बाउल में ये शुगर ली है फ्रेंड्स। अब मैं इसे इस पतीले में डाल दूंगी और इतनी ही क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जिस बाउल में ये शुगर ली थी उसी बाउल में मैंने एक कटोरी से पानी डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना शुगर को सिर्फ बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। हमें केवल एक तार की चाशनी नहीं चाहिए फ्रेंड, बस हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए। अब 2-3 मिनट अपने पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दूंगी फ्रेंड्स। आप इलायची पाउडर की जगह आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे हम ढक के रख देंगे। अब हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। अब नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर मैं सबसे पहले 1 टीस्पून घी डाल दूंगी फ्रेंड्स, और इसी में मैं 3/4 कप ये दूध डालूंगी, और इसे हम एक बॉईल आने तक इसे ही इस तरह हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप ये मिल्क पाउडर डाल, और इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इस गैस को रखा है। अब हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे, और फ्रेंड्स जब तक ये इसमें थिकनेस नहीं आ जाएगी जब तक हम इसी तरह इसको चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस अपना खोया अच्छे से बन चुका है, इसमें अच्छे से थिकनेस भी आ गई है। अब मैं इस गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपना खोया ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें 2 चम्मच मैदे की डाली है। अब हम इसे अच्छे से इसका एक स्मूथ डो बनाएंगे इस तरह। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और अब हम इसमें एक इसका स्मूथ डो बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक स्मूथ डो बना लेंगे फ्रेंड्स इस तरह। अब हम इसमें इस तरह हम आटे को अच्छे से मसल के इसका स्मूथ डो बना लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे इसके बोल्स बना लेंगे। तो हथेली के बीच में इस तरह रख के इसके एक छोटे छोटे हम बोल्स बना लेंगे फ्रेंड्स। अपना गोला बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई भी क्रेक नहीं आना चाहिए। इसी तरह हम इस डो के सारे बॉल्स बना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, हमें ज्यादा हीट नहीं चाहिए। अब मैं इसमें सारे बॉल्स इसमें डाल दूंगी, और हमें गैस को लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है फ्रेंड्स। अपने लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और हमें इसे डार्क ब्राउन करना है। तो हम कलची से इसी तरह चलाएंगे जब तक कि अपने गोल्डन ब्राउन ना हो जाए फ्रेंड्स। अपने गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इसे निकाल के चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी को मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है। अब मैं इसमें चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में डालने के बाद हम इसे 2 घंटे तक इसे ढक के रखेंगे फ्रेंड्स। अपने 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, और अपने गुलाब जामुन ने चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है। अब मैं आपको एक बाउल में निकाल के बताती हूँ। बाउल में डाल दिया है। अब मैं आपको ये काट के बताती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, गुलाब जामुन ने कितनी अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब करी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया फ्रेंड। तो आप घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।